हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी समोसा और कचौड़ी के साथ खाए जाने वाली। तो जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं ना, आज उसी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। हलवाई जैसी चटनी बनाने के लिए हमने क्या करना, तो गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई। अब डाल देंगे इसमें पानी। तो देखिए, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर पानी। तो फिलहाल अभी आधा लीटर पानी लिया हुआ है, आधा लीटर मैं इसमें और डाल दूंगी। तो देखिएगा, आधा लीटर और डाल देती हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे पूरा 1 लीटर पानी ले लिया है। इसको कर देंगे ऑन और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी भरकर चीनी। तो देखिएगा, कोई भी 1 कटोरी से माफ़ कर लीजिएगा। 1 केजी पानी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम के करीब ये चीनी होगी। तो बस ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। कि हमें यहाँ इसकी चाशनी नहीं बनानी, बल्कि खट्टी मीठी सी हमें चटनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो बस चीनी को हम इसमें घोल लेते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा और हमारी चीनी बढ़िया से घुलती जाएगी, तो बस इसको थोड़ी देर चलाएंगे ताकि चीनी तली में ना बैठ जाए। जैसे जैसे पानी गर्म होता जा रहा है, चीनी हमारी घुल गई है, थोड़ी सी बची है वो भी घुल जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंगे गुड़। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 50 ग्राम के करीब गुड़ ले रही हूँ। आप चाहो तो इस चटनी को गुड़ ज़्यादा चीनी कम से भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी चीनी और ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 50 ग्राम के करीब गुड़ लिया हुआ है। तो इसे भी इस समय हम इसमें डाल देते हैं ताकि गुड़ भी अच्छे से घुल जाए। हमें ले लेनी है हमें इमली। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इमली ले ली है, ये 25 ग्राम के करीब होगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही इमली है। अगर आपके पास इमली नहीं है और पिसा हुआ अमचूर है, तो उससे भी आप ये चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास इमली थी, तो आज मैं इसको इमली से ही बना रही हूँ। तो इमली भी हम इसी समय डाल देंगे गुड़ और चीनी के साथ में। देखिए, इमली को भी हमने गुड़ और चीनी के साथ में डाल दिया और अच्छे से इसे होने देंगे बॉयल। और इसे हमें जब तक बॉयल करना, जब तक ये जो हमारी इमली है ना, बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहो तो इमली को फुलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत जल्दी में ये चटनी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इमली को ऐसे ही डाल दिया, ताकि इसमें पानी बढ़िया से बॉयल हो जाएगी, तो ये अपने आप से फूल जाएगी और इसका जो अंदर का पल्प है ना, वो पूरा हम अच्छा सा निकल आएगा। तो बस इसी तरीके से हमें इसे बॉयल आने देना है। जब तक हमारे यहाँ पे इमली बॉयल हो रही है, तब तक हम एक चीज़ और निपटा लेते। तो मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच के करीब, यहाँ पे लिया है अरारोट लिया हुआ है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अरारोट था, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अरारोट ले लिया है। इसे एक डाल देंगे कटोरी में और थोड़ा सा डालेंगे पानी, ताकि ये बढ़िया से घुल जाए। और इसे हमें घुल के तैयार कर लेना है। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बिल्कुल तैयार है। तो बस हमें अच्छे से इसे घोल लेना है, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो बस ये देखिएगा, इसे चम्मच से हम अच्छे से घोल लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही जल्दी घुल जाता है। ये देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये घुल चुका है। 7 से 8 मिनट हो चुका है, बढ़िया से इमली हमारी गल चुकी है। गैस को कर दिया है मैंने बंद। अब क्या करेंगे, इसे हम छान लेते हैं किसी छलनी में, ताकि जो इमली का जो पल्प है ना, अच्छे से निकाल पाए। तो बस इसे हम छान लेते हैं इस तरह की। हमें कोई छलनी ले लेना है, नीचे खाली एक बर्तन ले लेना है, और जो हमारा जो इमली का पानी है ना, बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो इसे हमें आराम से पकड़ के डालना, ध्यान रखना है कहीं इससे आप जल ना जाए। तो बस इस तरह से छान लेंगे, ताकि गुड़ में भी जो भी कुछ कंकड़ पत्थर निकलते हैं ना, छोटे छोटे से मिट्टी निकल जाती है, तो वो भी इसमें छन जाएगी, और जो इमली है ना, वो भी हमारी बढ़िया से इससे छन जाएगी। तो बस इमली को भी हम इसी तरीके से मसल के, देखिएगा ऐसे मसलते मसलते हमें सारे गूदे को निकाल देना है, और जो कचड़ा कचड़ा बचेगा वो ऊपर रह जाएगा। तो बस ऐसे ही करते हुए हमें सारे इमली के पल्प को निकाल देना। देखिएगा इस तरीके से ये छलनी के नीचे आ रहा है, ये इसको चम्मच से निकालिएगा, क्योंकि ये हल्का सा ये गर्म है, मैं सिर्फ आपको बता रही थी। इस तरीके से हमने सारी इमली का पल्प निकाल लिया है, ये सिर्फ जो इमली का छिलका होता है ना कचड़ा टाइप का, वो बचा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है फिर भी इसमें थोड़ा सा और निकल आएगा, तो इस तरीके से नीचे जो पानी है ना, उसमें डुबोइएगा और बस ऐसे चलाते जाइएगा, तो इसमें जितना भी गूदा होगा पूरा निकल जाएगा और कचड़ा कचड़ा ऊपर रह जाएगा। जो कचड़ा रह जाएगा उसे हम फेंक देंगे। तो देखिएगा, इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो पानी हमारा अच्छे से छन चुका है। देखिए, छने हुए पानी को हम फिर से अपनी कढ़ाई में डाल लेते हैं और गैस को कर लेंगे ऑन। देखिए, सारे पानी को हमें इसमें डाल देना है। गैस को कर दिया है ऑन, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच, यहाँ पे डालेंगे काला नमक, आधी छोटी चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा, आधी छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पे कुटी हुई सौंफ। आप चाहो तो ये चीज़ों को भून कर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये भुनी हुई थी, तो मैंने इनको इस तरीके से आधा आधा चम्मच डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं हम यहाँ पे सफ़ेद नमक,
सभी चीज़ों को हमने डाल दिया। और अगर आपको हलवाई जैसी लाल लाल चटनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अगर आप चाहें तो डालिएगा, ना चाहें तो, हमारी चटनी वैसे ही लाल है क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला हुआ है, गुड़ से हमारी चटनी लाल हो जाती है। अगर आपको बिल्कुल हलवाई जैसी बनानी है तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर डाल सकते हैं। हमने जो अरारोट घोर के रखा हुआ था ना वो हम डालेंगे, इसको फिर से घुमाएंगे डालने से पहले, क्योंकि ये तली में बैठ जाता है। तो बस इसे एक बार अच्छे से फिर से चला लेते हैं ऐसे, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना आए। तो बस इसको पहले से अच्छे से मिला लेंगे, देखिएगा फिर से बिल्कुल भी तली में बैठना नहीं चाहिए ऐसे। तो ये अच्छे से मिल गया है, तो हमें इसको उतना ही डालना जितना कि हमें गाढ़ी चाहिए अपनी चटनी उसके हिसाब से। तो बस इसको चलाते जाएंगे और डालते जाएंगे, देखिएगा इस तरीके से। अभी तक हमने एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है इसमें डालने के लिए वो नहीं डाली, वो है सौंठ। तो आधा छोटी चम्मच हम डालेंगे सौंठ, सौंठ हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। हमारी चटनी मीठे के साथ थोड़ी सी तीखी भी रहे तो मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच। देखिए इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस हमारी ये चटनी बन के हो चुकी है तैयार। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बन गई ना हलवाई वाली चटनी। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।